कमान एमएल लाठर की विदाई भी आज हुई। अब आईपीएस उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए मुखिया बन चुके हैं। लाठर ने उमेश मिश्रा को डीजीपी का चार्ज सौंप दिया है और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो नव नियुक्त डीजीपी राजस्थान है उनको भी आप इसी तरह सहयोग करते रहेंगे और किसी भी तरह राजस्थान पुलिस का झंडा नीचे नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। पिछले 2-3 साल से जब से ये कोविड महामारी आई है जिसमें आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर एज ए फ्रंट वॉरियर अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ जो आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, लोगों में जो सहन शक्ति घटी है, बेरोजगारी की वजह से राष्ट्रीय संघ बढ़ा है, उसकी वजह से अपराध का बढ़ना लाजमी ही था। लेकिन दोनों मोर्चों पर, चाहे वो अपराध नियंत्रण का हो और वो चाहे कोविड महामारी से लड़ने का हो, राजस्थान पुलिस द्वारा बड़े अच्छे से अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए दोनों मोर्चों पर लड़ाई को खूबी से लड़ा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इस दौरान जो अपराध का पैटर्न बदला है वो भी बड़ा चुनौतीपूर्वक है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो और चाहे वो साइबर क्राइम हो, इन सब में अजीब तरह का परिवर्तन देखने को मिला है। मुझे खुशी है कि इन सभी बातों को आप लोगों ने आत्मसात किया है और इन नए परिवर्तनों को भी कैसे मुकाबला किया जाए अपने आप को आपने ढाला है, इसके लिए मुझे संतोष है। मैं अभी आज की तारीख में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मैं यहीं राजस्थान में सेटल, जयपुर में ही सेटल हो रहा हूँ। मैं रिटायर जरूर हो रहा हूँ लेकिन आपसे दूर नहीं। जब भी कभी आप लोगों को मेरी आवश्यकता हो जरूर याद करिएगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो संबोधन आप सुन रहे थे पूर्व डीजीपी एमएल लाठर का। उन्होंने संबोधन के दौरान एक बार फिर से भावुकता के जरिए मैसेज दिया कि जब भी कभी उनकी जरूरत फिर से पुलिस मुख्यालय में पड़ेगी वो अपनी सेवाएं देने के लिए बतौर एक पुलिस के जवान के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ ये समारोह अपने समापन की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि सुबह सबसे पहले सेरेमनी हुई, उसके बाद में चार्ज डीजीपी उमेश मिश्रा को उन्होंने सौंपा, जो कि अब डीजीपी देश के 35वें डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं संभाल चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके बाद एक मीटिंग भी वो बतौर डीजीपी आज पहले लेने वाले हैं। इससे पहले ये समापन समारोह जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से सीधा फोसंजा पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। Thank you.
और ये तस्वीर उस समय की जब चार्ज प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा को उन्होंने सौंपा। डीजीपी कक्ष से उस समय की तस्वीरें हैं जब नई जिम्मेदारियां प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा को सौंपी गई। जब कार्मिक विभाग ने उनके नाम पर सहमति जारी की थी और जब राज्य सरकार ने पूरा पैनल भेजा था, उस समय कई और नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन वरिष्ठता और वरीयता के आधार पर और भी नाम थे। लेकिन एक निर्भीक निडर अफसर के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इंटेलिजेंस विभाग में जब रहे तो तेज तर्रार और निडर आईपीएस के तौर पर डीपी इंटेलिजेंस रहते हुए भी सेना में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सैन्य कर्मियों का उन्होंने भंडाफोड़ किया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी बताई जाती है कि सेना के अंदर से ही उन लोगों को चुनकर निकालना जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करते थे। और बात भले ही सरकार से जुड़ी हुई रही हो तो गहलोत सरकार के संकट मोचक भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि जिस समय प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस था उस समय इंटेलिजेंस देख रहे थे और इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी थी कि विधायक प्रदेश से बाहर जाने की जुगत में है। तस्वीरें उस समय से जब अब देखिए सभी से मुलाकात बारी बारी से वो कर रही हैं। 4 नवंबर 2020 से लेकर आज 3 नवंबर 2022 तक उन्होंने बतौर राजस्थान के पुलिस मुखिया के तौर पर डीजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं दी। आज सेवानिवृत्ति भी उनकी हो गई और उसके बाद अब राजस्थान पुलिस को नए मुखिया उमेश मिश्रा के तौर पर मिल चुके हैं। चलिए पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। शिवेंद्र, चार्ज सौंप दिया गया है और बतौर नए डीजीपी के उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली है उमेश मिश्रा ने, क्या और कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें अब समापन की और कार्यक्रम बढ़ रहा है? अब जो निवर्तमान डीजीपी है जो रिटायर लगभग उनका विदाई समारोह चल रहा है जैसी, और ये पारंपरिक विदाई समारोह है जिसकी तस्वीरें बड़ी ही भावनात्मक भी होती है किसी भी उस अधिकारी के लिए जो रिटायर होने वाले हों, क्योंकि गाड़ी में दो रस्से लगाए जाते हैं बड़े बड़े और उनको उनके जो साथी अधिकारी होते हैं वो खींचते हैं, तो ये एक गौरवशाली परंपरा रही है राजस्थान पुलिस की। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो रिटायर्ड डीजीपी है मोहनलाल लाकर वो एक खुली जीप में सवार होंगे और जो उनके साथी अफसर हैं वो रस्सा खींचकर उनको विदाई देंगे। तस्वीरों में अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे, आपको नजर आएंगे स्मिता श्रीवास्तव जो एडीजी हैं, गौरव श्रीवास्तव जो भरतपुर रेंज के आईजी हैं, विनीता ठाकुर, सौरभ श्रीवास्तव, ए पोलू स्वामी, रवि प्रकाश मेहरा, गौरव गुप्ता, आनंद श्रीवास्तव, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं सीनियर पुलिस अधिकारी वो रस्ते पूछकर एमएल लाकर को विदाई देंगे। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं जो इस समय राजस्थान पुलिस के हेडक्वार्टर में है और ये परंपरा रही है। जाहिर तौर पर एमएल लाकर के लिए बड़ा भावुक क्षण होगा क्योंकि 35 साल से लंबी नौकरी उनकी राजस्थान पुलिस में रही है, 2 साल वो बतौर डीजीपी उन्होंने काम किया है। और देखिए आप एमएल लाठर उस समय नजर आ रहे हैं जो थोड़ी देर में बैठेंगे जीप में, खुली जीप में वो सवार होंगे और जो उनके साथी हैं जैसी वो उसको रस्सी जीप से विदा करेंगे। इसके बाद उनको जो डीसीपी ट्रैफिक है जयपुर में वो एस्कोर्ट करेंगे और यहाँ से एमएल लाठर को सम्मान उनका जो निवास है वहां तक छोड़ा जाएगा, वहां तक ड्रॉप किया जाएगा। तो ये एक जो परंपरा चलती आई है वर्षों से, आप देखिए आप जो खुली जीप है उसमें सवार हो रहे हैं रिटायर्ड डीजीपी मोहनलाल लाठर जो कि अब से थोड़ी देर पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने उमेश मिश्रा को चार्ज दिया है और अब जो उनके साथी पुलिस अधिकारी हैं वो उनको रस्सा खींचकर उनकी जो गाड़ी में लगा हुआ रस्सी है वो खींचकर विदाई देंगे। देखिए आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है और बाकायदा फूल ऊपर से डालकर एमएल लाठर को विदाई दी जा रही है। तो बड़ा ही भावनात्मक समय मोहनलाल लाठर के लिए जब वो इस तरीके से विदाई ले रहे हैं। मिश्रा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी उनकी गाड़ी को खींचकर उनको विदाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें राजस्थान पुलिस से जो कि 2 साल के बाद देखने को मिल रही है। इसी तरह 2 साल पहले भूपेंद्र यादव जब रिटायर हुए थे उनको विदाई दी गई थी और अब ये समारोह आयोजित किया जा रहा है मोहनलाल
लाठर के लिए, जो कि आज उनका अंतिम कार्य दिवस था पुलिस में। 35 साल की लंबी सेवा के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। और तस्वीरों में तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं आपको बाबा से नाम बता दूं, स्मिता श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, विदिता ठाकुर, बीजू जॉर्ज जोसेफ, जयपुर पुलिस के कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, गोविंद गुप्ता, सुनील दत्त, अनिल पालीवाल, रवि प्रकाश बेहरा, सचिन मित्तल, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस समय अपने पुराने बॉस को, जो रिटायर हुए हैं, आज उनको विदाई दे रहे हैं। तो पुलिस मुख्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जैसी, जिनके हम सभी लोग भी साक्षी बन रहे हैं, जब मोहनलाल लाठर को एक लंबे कार्यकाल के बाद तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो विदाई दे रहे हैं। और जो नए डीजीपी उमेश मिश्रा, उन्होंने चार्ज ले लिया है, राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक उमेश मिश्रा चार्ज ले चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद, जैसे ही ये समारोह पूरा हो जाएगा, उसके बाद उमेश मिश्रा बतौर डीजीपी अपनी पहली बैठक लेंगे, अपनी पहली बैठक वो लेंगे, जिसमें वो तमाम जो इस सेरेमनी में आईपीएस अधिकारी जितने भी मौजूद हैं वो उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और उनसे वो बातचीत करेंगे। तो जो एमएल लाठर का काफिला था वो इस समय पुलिस मुख्यालय से बाहर आ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एमएल लाठर नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से उनकी जो पुलिस की सेवा थी, तकरीबन 35 साल लंबी सेवा, वो अब पूरी हो चुकी है।